सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डिमाइज पर एक और फिल्म की हुई अनाउंसमेंट। सुशांत सिंह राजपूत के लुक अलाइक सचिन तिवारी को इस फिल्म में किया जा रहा है कास्ट। इस फिल्म का नाम सुसाइड और मर्डर रखा गया है। एंड बाय द लुक ऑफ इट, इस पोस्टर को देखकर ये तो साफ पता चल रहा है कि फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइज के इर्द गिर्द घटनाओं को दिखाया जाएगा। इस न्यूज को सोशल मीडिया पर अनाउंस करते हुए फिल्म के मेकर्स ने लिखा, अ बॉय फ्रॉम स्मॉल टाउन became a shining star in the film industry. This is his journey. Introducing Sachin Tiwari at official Tiwari Sachin as the outsider. यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डिमाइज के बाद उनकी लाइफ को लेकर लोगों के दिल में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। यही वजह है कि एक के बाद एक सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर फिल्म्स अनाउंस की जा रही हैं। वैसे इस फिल्म की अनाउंसमेंट पर फिल्म के प्रोड्यूसर ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है, सुशांत सिंह राजपूत्स डेथ बाय सुसाइड केम एज अ शॉक टू ऑल ऑफ अस, बट इट इज नॉट न्यू। मेनी एक्टर्स हु कम टू द इंडस्ट्री टू अकम्प्लिश देयर ड्रीम्स ऑफ मेकिंग इट बिग हियर एंड अप नॉट गेटिंग वर्क। मेनी टेक दिस रूट एंड सम कीप स्ट्रगलिंग ऑल देयर लाइव्स। So we wanted to tell a story of how actors from small towns who don't have godfathers in Bollywood struggle. We will be revealing the other characters one by one. I can assure you that this film will unmask the real face of the insiders of Bollywood. बात करें सुशांत सिंह राजपूत की केस में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो पुलिस ने आदित्य चोपड़ा से पूछताछ की है और उन्होंने पुलिस से साफ कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डिमाइज से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात हर जगह हो रही है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खत्म हुआ था। पुलिस इस मामले में जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। वैसे कंगना रनौत ने ये क्लेम किया है कि पुलिस ने उन्हें सुशांत सिंह राजपूत केस में समन जरूर भेजा था, लेकिन वो मनाली में होने की वजह से पुलिस के पास नहीं गयी और उन्होंने पुलिस से ये जरूर कहा था कि वो पुलिस से मनाली में मिलने के लिए तैयार हैं। इस केस में रोज नए नए फैक्ट्स सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबको इंतजार है फाइनल फैक्ट का।